परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते विष्णवे विष्णवे तुभ्यं कृष्ण नाम कृते नमः। ओम शांति शांति शांति। कोई बात आपको बचपन से सुनाता हूं, उसका कारण ये हुआ कि आज हमारे उस समय के एक दो मित्र मिल गए। हमारे गांव से जन्मभूमि से वैसे तो दो मील पर गंगा जी हैं, पर कुछ पांच मील दूर पर एक महात्मा रहते हैं। प्रातःकाल रोज उनके पास जाते, झाड़ू लगा देते कुटिया में, गंगा जल भर के रख देते और वो अपने गुरुदेव की पूजा करने के लिए बैठते थे चित्रपट। तो गुरु में से ये ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर ये विष्णु प्रकट हुए, ये सूर्य प्रकट हुए, ये राम आए, ये कृष्ण आए, सबकी अलग अलग पूजा करते और फिर सब गुरु की मूर्ति में समा जाते। बड़े दिव्य उनकी मूर्ति देखने में ऐसी दिव्य थी, देख के ही उनकी ओर आकर्षण हो जाता था। ये जो कर्णवास में स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज रहते हैं, बहुत वयोवृद्ध संत, उनका संन्यास संस्कार उन्होंने ही करवाया था, वो तो साक्षात शिव मूर्ति ही थे और मैं था बालक। तो मैंने उनसे कहा कि हमको आप दीक्षा दे दीजिए। तो वो उन्होंने कहा कि भाई दीक्षा तो तुम्हारी एक बार हो गई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री की दीक्षा हुई, यदि उस दीक्षा का तुमने विधि पूर्वक पालन नहीं किया तो दूसरी दीक्षा जो हम देंगे उसको भी तुम वैसे हो जाओगे। इसलिए पहले ही जो दीक्षा गायत्री की हुई है, विधि पूर्वक प्रतिदिन संध्या वंदन करो, गायत्री का जप करो, 24 लाख का एक अनुष्ठान कर लो, उसके बाद फिर हम दूसरी दीक्षा की बात कहेंगे। और एक दीक्षा का तो अनादर कर दिया और दूसरी दीक्षा ले ली, तो वो पहली दीक्षा का जो अनादर है वो प्रतिबंध बन जाता है, वो दूसरी दीक्षा के सफल होने में बाधक हो जाता है, क्योंकि पहली दीक्षा का अनादर हो गया। तो मैंने उनकी आज्ञा अनुसार यथाशक्ति गायत्री का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने पर उन्होंने हमको श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। आपको एक बात सुनाता हूँ, विधिपूर्वक क्रियावती दीक्षा, दीक्षा कई प्रकार की होती है, चाक्षुषी आँख से देख के दीक्षा होती है, पारसी छू के दीक्षा होती है, मानसी मन से संकल्प करके दीक्षा होती है, और वेदवती इसके विधान है शास्त्र में। तो मैंने उनसे वेदवती दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के 108 बार उस मंत्र का जप किया जिसकी दीक्षा उन्होंने मुझे दी थी, श्री कृष्ण का मंत्र, और मेरे सिर से हाथ रख। पहले सब पूजा पत्र हुई, विधि विधान उसका हुआ। बाबा हम एक बात दूसरी कहने जा रहे हैं, अपना जीवन चरित्र सुनाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा बाबा, जितना उस मंत्र का जप करना शास्त्र की रीति से चाहिए था, जैसे खाना, जैसे पीना, जैसे रहना, एक अनुष्ठान पूरा हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ। वो कहते थे कलयुग संख्या से तो गुणा, कलयुग में चार गुनी संख्या होनी चाहिए, चार गुनी संख्या हो गई, पर हमको
ज्ञान लगना दूर, सपना आना दूर, हम वाणी से विधि पूर्वक जप तो जरूर करते थे, परंतु जप में कोई शक्ति सामर्थ्य है इसका अनुभव बिल्कुल नहीं होता था। जब चार अनुष्ठान उसके पूरे हो गए, गंगा स्नान करने गया तो कौआ हमारी माला उठा के ले गया। मैं गया स्नान करने, माला के किनारे पर कौआ ले गया, उसने गंगा जी में डाल दी। तो मैंने कहा कि बाबा हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अब हमको घर छोड़ के भागना चाहिए। तो प्रातः काल उठा, बहुत थोड़े में अपना काम चल जाता था, एक कुर्ता पहनता था, एक चद्दर कंधे पर, एक लोटा बड़ा रखता था, और क्योंकि लोटे के बिना काम नहीं चलता था, चदरा बिछा के सो जाता और लोटे से पानी ले लेता। पर उस दिन जब घर से निकला तो पैदल मुगल सराय पार करके, काशी भी पार करके, शिवपुर भी पार करके, वो इस घर से 20-25 मील दूर तक चला गया और एक पैसे का कच्चा चना लेके पानी में डाल दिया था, वो फूल गया, उठा लिया। 5 आना पैसा कुल मेरे पास था। जब मैं एक कुएं पर जल पीने के लिए रुका, आप लोग ध्यान देना थोड़ा, तो एक गांव के हमारे चाचा लगते थे और वो बनारसी इक्के पर चढ़े हुए कहीं अपने किसी काम से जा रहे थे। उन्होंने देखा न मेरे पांव में जूता और न सिर पर पगड़ी, सिर्फ कुर्ता पहने में कुएं पर बैठा हुआ हूँ, आ गए और आके वो डांट लगाई और पकड़ा और इक्के पर बैठाया, ले आए बनारस। और बनारस ला के जूता खरीदा, कपड़े ठीक बनवाए और शाम को सीरी फरहाद सिनेमा हो रहा था वो देखने के लिए। उन दिनों सिनेमा बोलता नहीं था, केवल चित्र ही दिखते थे। ये आप लोगों का मन जरा उधर जाए, चाचा तो थे पर उनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा नहीं थी, 2-4 बरस पड़ी थी। रात को जब घर में आए तब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि इनके पांडवा बहुत प्रेम करते थे, वो भी मैंने कर लिया। दूसरे दिन वो बोले कि चलो घर, तो अपने इक्के पर बैठा के कुछ काशी से सड़क के रास्ते 35 मील घर पड़ता था और सीधे तो 20 मील हम पैदल चलते थे, तो 20 मील घर ले आए और 2 पहर तक उन्होंने घर पहुंचा। अब मैंने घर में बैठ के ये सोचा कि न अनुष्ठान से कुछ हुआ और न घर से भाग सका, और देखना था भगवान को, देखने को मिला सिनेमा, तो इस जीवन में कुछ ऐसा प्रतिबंध है जिससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आपको ये भी बता दें कि जितना जितना मैं करता था प्रातः काल से लेकर और रात के 10 बजे तक, एक बार भोजन और कितना जप, कितना पाठ, कितना कवच, उसमें सब था, कितना न्यास, कितना जप, कितना अनुष्ठान, सब सर्वांग पूर्ण। 11 बजे रात तक मैंने ये निश्चय किया कि अब इससे अधिक मैं कर नहीं सकता, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे साधन के बल पर इस जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती और मैं घर से भाग भी नहीं सकता और मैं सिनेमा देखने से भी अपने को नहीं बचा सकता, तो अब ये शरीर बिल्कुल व्यर्थ है और मेरे जीवन में अब कोई साधन भजन बनने वाला नहीं है। मैं अपने बंद कमरे में खाट पर बैठ के, सुतरी की बुनी हुई खाट, खाट पर बैठ के ये सोच रहा था और हमारी आंख से आंसू गिर रहे थे।
तो अब आपको थोड़ा चमत्कार बताते हैं। जब मेरे मन में ये बात बिल्कुल पक्की हो गई हो, यानी कि साधन किए बिना ही आप साधन से निराश हो जाए, जब हमारे मन में ये आस्था उदय हुई कि हमारे कर्तृत्व से, हमारी कृति से, हमारी साधना से कुछ नहीं होने वाला है, अपने अहम का बंध जिस क्षण टूटा, उस क्षण मैंने देखा कि वो अंधेरा घर प्रकाश से भर गया, और ऐसा प्रकाश और उसमें एक ऐसी मूर्ति जो धरती पर पांव नहीं रखती थी, दाहिने बाएं बाएं दाहिने घूम रही थी, देख के ऐसा आनंद हृदय में आया कि उस समय तो ऐसा मालूम हुआ कि बस बस अब परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो 5 मिनट बाद मैंने किवाड़ी खोली तो हमारी माता जी मिली, एक अक्षयवर पंडित थे, यहाँ स्वतंत्रानंद जी रहते ना ब्रह्मचारी, इनके बड़े भाई अक्षयवर पंडित रहते थे, दोनों दरवाजे पर बैठे थे, ये किवाड़ी बंद करके क्यों बैठे हैं, ऐसा खुश देखा उन्होंने हमको कि बोले कि ऐसा वैसी प्रसन्नता तो मैंने कभी नहीं देखी थी। अब आपको इसके बाद वाली बात सुना, एक दो बरस में चक्र जी मिल गए, सुदर्शन सिंह जी चक्र यहाँ बैठे, तो हम लोगों ने एक यात्रा की, बिना पैसे की यात्रा की, जो शिष्य हमको पहले 2 रुपया देता था, उसने पहले ही दिन जब हम रात को उसके घर रहे तो 20 रुपया दिया, उसके बाद दूसरे गांव में गए तो जो शिष्य हमको 11 रुपया देता था उसने 50 रुपया दिया, और जगन्नाथपुरी हम लोग चले गए। इससे मतलब क्या है हम आपको बताएंगे। वजीराबाद एक स्टेशन पड़ता है गया से पहले, वहां तक का किराया हमारे पास था, तो उतरे वहां से, एक तपत कुंड है वहां आए, आज हमारे वहां से वो महात्मा आए हैं इसलिए उनकी याद आ रही, तो उस समय वो महात्मा नहीं थे, पड़े बालक थे, 15-16 बरस की उनकी उम्र थी, और सिर पर जटा बांधे हुए थे और बगीचे में फूल सुन रहे थे, न हमारे पास पैसा था, न भोजन था, कुछ नहीं था, तो यही महात्मा आके बोले कि तुम लोग कुछ खाओगे, तो हमको चावल दाल दे दिया और हमने अपने लोटे में पका के खिचड़ी खा ली, बोला और तो अभी याद आती है, उनको देखते हैं तो आज आए हो तो उनको देख कर, वो पुरानी बात, अब तो वो बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है, पर उसके बाद जो बात हुई तो आपको सुनाते हैं, असल बात बताते हैं। तो दोपहर को तो उन्होंने खिलाया, रात को हम रास्ते में चल रहे थे तो किसी ने पुकारा तो कौन जा रहा है रास्ते में, ठाकुर जी का प्रसाद पाके जा। दूसरे दिन वहां से निकले, राजगिरी गए, वहां से बिहार शरीफ में हमारे एक मित्र मिल गए, उन्होंने खिलाया। रात को हम लोग बख्तियारपुर से 2 स्टेशन पहले एक हरनौत नाम का स्टेशन है वहां पहुंचे, लाइट रेलवे, वहां रात को कोई आता न जाता, न कोई मिलने वाला, न झुलने वाला, न दुकान, न गांव, न घर, दिन भर में 28 मील चल के बिल्कुल थक गए थे, और 11 बजे रात को जब हमने अपना चदरा बिछाया अपने मुसाफिर खाने में, गांव वाले इतने नहीं देते थे कि आजकल डाके पड़ते हैं, महाराज 11 बजे रात को 2 बालक आए, अभी हम याद करते हैं उनकी, तो वो हमारा हृदय प्रेम से, मैं और चक्र जी दोनों से बिल्कुल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए
गौर वर्ण उस अंधेरे में चमकते थे और उन्होंने कहा कि कुछ खाओगे? कहा खाएंगे पर यहाँ मिलेगा क्या? बोले देखो हम अभी लाते हैं। और उन्होंने ला के हमको खोया खिलाया। मैंने पूछा कहाँ रहते हैं आप लोग? बोले हम यहीं रहते हैं। अब तो दूसरे दिन सवेरे महाराज न वहाँ स्टेशन मास्टर न पोस्ट मास्टर न डॉक्टर न कोई सेठ न साहूकार, उन दिनों में तो वहाँ कोई नहीं था। ये बालक 11 बजे रात को कैसे आकर हमको भोजन करा गए? उस दिन हमको ऐसा लगा अरे भाई हमारे ऊपर नजर रखने वाला कोई है। भोजना खादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा जोसौ विश्वंभरो देवा स किम भक्तान उपेक्षते। हम क्या खाएंगे हम क्या पहनेंगे ये चिंता करके जो लोग भगवान का भजन छोड़ देते हैं उनको ये माया राज ने ठग लिया है। हम उसके बाद की बात आपको ये तो अपने बचपन की बात सुनाई। सूने जंगल में रोटी मिल जाती है जहाँ कोई परिचित नहीं है वहाँ रुपया बरस जाता है। कभी किसी से मांगने का कोई काम नहीं पड़ता है, वो चाहने का काम नहीं पड़ता है। अब इसके बाद हम व्याख्यान प्रारंभ करते हैं अपना। आप भगवान के भजन पर विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए। कहीं कल्पना सुन के भजन से वंचित मत हो जाइए।